हेलो स्टूडेंट्स जस्ट वी आर गोइंग टू बिगिन विद द चैप्टर दैट इज फेयर प्ले क्लास सिक्स चैप्टर नंबर थ्री एंड दिस इज फ्रॉम योर बुक सन बीम्स लेट्स मूव फर्दर एंड नो अबाउट द चैप्टर हैज योर बेस्ट फ्रेंड हैवर डन समथिंग विच यू थाट वॉज रॉन्ग मीन्स क्या कभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने कोई ऐसा काम किया जो कि आपको लगाओ देट वॉज रॉन्ग कि वो गलत था यानी कि आपने सोचा हो कि वो काम गलत है वॉट डिड यू डू दैन एंड एट द सेम टाइम वॉट यू डिड आपने क्या किया डिड यू कीप क्वाइट और करेक्ट योर फ्रेंड क्या आप क्वाइट रहे क्या आप चुप रहे एंड यू करेक्टेड योर फ्रेंड आपने आपके फ्रेंड को करेक्ट किया आपने आपके फ्रेंड को बोला दैट यू मेड मिस्टेक एट दस टाइम देट वॉज नॉट माई फॉल्ट एंड यू डिड इट स्ट्रांग आपने इन वर्ड्स को बोला उसको लेट्स मूव फर्दर एंड नो दिस स्टोरी देट इज द सेम काइंड देर आर टू फ्रेंड्स नेम्ड एज जुम्मन सेख एंड अलगू चौधरी वॉट हैपन्स विद दैम दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स देव आर वेरी क्लोज फ्रेंड बट व्हाट हैपन दे बिकेम द बेस्ट एनिमी वी मे से सो लेट्स सी जुम्मन सेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स सो स्ट्रांग वॉज दे आर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप

both were greatly respected in the village and this way they two were respected very greatly in the whole village and uh, wait jumman had an old aunt what was the matter here with the jumman with Juman, he had an old aunt Uske ek aunt thi, who had some property or property thi. she was and this she transferred to him which she has transferred to his nephew

ही स्टैंडस फॉर जुम्मन जुम्मन उनकी लुकआफ्टर करेगा मतलब देखभाल करेगा द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स मीन्स ये जो अरेंजमेंट था जो सिस्टम था उन लोगों का मीन्स आंट एंड हर नेफ्यू उसके नेफ्यू का जुम्मन का दे अरेंजमेंट कीपअप रहा ऑन एंड ऑन रहा कपल ऑफ ईयर्स तक मतलब लगभग लग दो साल तक ये अरेंजमेंट ठीक से चला एंड देन द सिचुएशन चेंज एट द नेक्स्ट सिचुएशन चेंज हो गई

द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे ग्रस्ड का मीन्स होता है टू गिव समथिंग अनविलिंगली. सो हियर शी वॉज गिविंग फूड टू द ओल्ड लेडी टू द आंट एवरी डे एंड नाउ शी वॉज गिविंग दैट फूड अनविलिंगली और अब वो उस फूड को उस खाने को उन आंट को अनविलिंगली दे रही थी एंड शी स्वेलोट दिस इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यूमन शी स्टैंड फॉर द ओल्ड लेडी द आंटी तो उन्होंने स्वेलो किया इस चीज़ को स्वेलो मीन्स यहाँ पे बियर है सहन करना टॉलरेट करना शी टॉलरेटेड दिस इंसल्ट अलोंग विद हर फूड यानी कि खाने को और दूसरी इंसल्ट को भी उन्होंने फ्यू मंथ्स तक तो बियर किया बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट लेकिन पेशेंस का एक लिमिट होता है वन डे सी स्पॉक्ट टू जुम्मन सन इट इज़ ना ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस मीन्स व्हाट सी सैड टू जुम्मन सी सैड दैट माई सन अब बहुत हो गया आई वॉन्ट इट आई डोंट वॉन्ट टू लिव सॉरी आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर टू लिव इन योर हाउस मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस मुझे मंथली अलाउंस दे दो मीन्स मुझे मंथली इनकम तुम फिक्स कर दो सो दैट आई कैन सेटअप अ सेपरेट किचन जिससे कि मैं क्या कर लूँ एक सेपरेट किचन सेटअप कर लूँ माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस बी पेशेंस सेट जुम्मन सेम लेसली अब जो जुम्मन है वो सेम लेसली शेम लेसली मीन्स बेशर्मी से बोलता है क्या बोला दैट माई वाइफ नो बेस्ट मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छे से जानती है दैट हाउ टू रन द हाउस कि हाउस को कैसे रन कराना होता है मीन्स घर को कैसे चलाना है बी पेशेंस आप शांत रहिए धैर्य रखिए दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री नाउ दिस वे शी गॉट वेरी एंग्री एंड नाउ शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत नाउ शी डिसाइडेड दैट शी इज गोइंग टू द विलेज पंचायत विद हर केस अपना केस को लेकर अब वो विलेज पंचायत में जाएंगी ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया लेट्स मूव फर्दर एंड नो फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट मीन्स मैनी ऑफ द डेज इट वॉज फाउंड दैट द ओल्ड लेडी वॉज टॉकिंग विद द पीपल ऑफ द और विद द विलेजर्स शी वॉज एक्सप्लेनिंग हर केस टू द पीपल एंड शी वॉज गेटिंग सपोर्ट ऑफ द पीपल दिस वे सम सम्पथाइज्ड

एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड वाइफ मीन्स अपने नेफ्यू से और उसकी वाइफ से बात करने के लिए कुछ ने उसको क्या बोला कि तुम्हें बात करनी चाहिए अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ से एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पॉक टू हिम और लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास में आई एज वी हैव डिस्कस दैट अलगू वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जुम्मन सेख द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिज ऑफ हर नेफ यू तो अलगू चौधरी के पास में आई और बोलती हैं यू नो चाची uh, हाँ फिर अलगू क्या बोलता है स्पॉप टू हिम यू नो चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम अलगू सैड अलगू बोला कि आ, चाची यू नो वेल की वी टू आर बेस्ट फ्रेंड हाउ केन आई गो अगेंस्ट हिम मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ आपको अच्छे से पता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बट इट इज़ राइट माई सन नाउ वॉट वॉज आंट्स अनाउंसमेंट वॉट सी सैड सी सैड दैट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम तो मेरे फेवर में बात करना जो जस्ट हो जो फेयर हो जो फुल ऑफ जस्टिस हो जो बात सही हो उस पर बात करना प्लीडेड द ओल्ड लेडी ओल्ड लेडी जो है उसको प्लीड करने लगी उसको आ, रिक्वेस्ट करने लगी दैट यू शुड बी विद द जस्टिस तुम्हें न्याय के साथ होना चाहिए कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ सी शैड अब जो ओल्ड लेडी है मतलब जो आंट है जो मन की वो बोलती हैं दैट यू शुड कम टू द पंचायत तुम्हें पंचायत में आना चाहिए और आना है एंड स्पीक द ट्रूथ और सच बोलना है अलगू डिडेंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं किया इस बात का उन लेकिन आंट के जो वर्ड्स थे वो उसके कानों में रिंग करते रहे मतलब बजते रहे द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बैनियान ट्री पंचायत हेल्ड हुआ मीन्स इट वॉज ऑर्गेनाइज द सेम इवनिंग अंडर एंड ओल्ड बनियन ट्री बनियन ट्री के नीचे इसको हेल्प किया गया पंचायत को एंड जुम्मन स्टूडअप एंड सैड जुम्मन खड़ा हुआ और बोला द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड वॉट इज सैड दैट द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड यानि कि जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है लेट माई आंट नॉमिनेट दैड पंच कि मेरी आंट को हैड पंच नॉमिनेट करने दो आई विल अवॉयड बाई हर डिसीजन एंड आई विल बी बाउंड विद बाय हर डिसीजन यानी कि जो मेरी आंट हैं जो जिसको भी नॉमिनेट करेंगी एज अ हेड पंच मैं उनके डिसीजन को uh, के फेवर में रहूँगा मैं उनके डिसीजन को इग्नोर नहीं करूँगा द पंच नोज ना द फ्रेंड नॉर एनिमी जो पंच होता है उसका ना तो कोई फ्रेंड होता है और ना ही कोई एनिमी होता है वॉट डू यू से अबाउट अलगू चौधरी द ओल्ड लेडी अनाउंसड ओल्ड लेडी अनाउंस करती हैं यानी कि जो आंट है वो अनाउंस करती हैं अलगू चौधरी आप तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है फाइन रिप्लाइड जुम्मन तो जुम्मन रिप्लाई करता है कि ठीक है हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक मींस द लेडी द ओल्ड लेडी द आंटी हैज़ नॉमिनेटेड अलगू चौधरी एज द हेड पंच सो द मैन जुम्मन ही बिकेम वेरी जॉयफुल ही बिकेम वेरी प्लेजेंट ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड ही वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ वेरी लक्की दैट नाउ द केस विल बी इन माई फेवर वो ऐसे सोच रहा था चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अलगू अलगू ने कहा कि चाची आपको अच्छे से पता है कि uh, मेरी और जुम्मन uh, की फ्रेंडशिप के बारे में तो चाची बोलती हैं आई नो दैट रिप्लाइड द आंट बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल यूर कॉन्सियंस फॉर द सेक ऑफ योर फ्रेंडशिप मुझे अच्छे से पता है लेकिन तुम अपनी कॉन्सियंस को नहीं मारोगे मतलब अपनी आ, आत्मा को नहीं हर्ट uh, करोगे फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप के लिए यानी अपनी दोस्ती के लिए तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को नकारोगे नहीं उसको इग्नोर नहीं करोगे उसको किल नहीं करोगे गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच पंच के हार्ट में यानी पंच के दिल में जो पंच होता है जो डिसीजन देने वाला होता है उसके दिल में भगवान का निवास होता है एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है एंड द लेडी देन एक्सप्लेन हर केस और फिर लेडी एक्सप्लेन करने लगी अपने केस को मीन्स जो ओल्ड लेडी थी मतलब जो आंट थी वो अपने केस को एक्सप्लेन uh, करने लगती हैं ना जुम्मन सैड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड अलगू ने बोला कि जुम्मन तुम और मैं बहुत ओल्ड फ्रेंड है मीन्स काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं बहुत पुराने दोस्त हैं योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू मीन्स योर आंट इज़ एज डियर जितनी आंट तुम्हें डियर है उतनी ही मुझे भी डियर है मतलब जितनी आंट को तुम पसंद करते हो जितनी अच्छी तुम्हें लगती हो उतनी ही मुझे लगती है जितना रिस्पेक्ट तुम करते हो उतना ही मैं करता हूँ नौ आई एम ए पंच अब मैं एक पंच हूँ यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए इक्वल हो दोनों वट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस तुम्हें तुम्हारी डिफेंस में क्या कहना है ऐसे पूछने लगता है अलगू किसको पूछता है भाई जुम्मन सेख को लेट्स मूव फर्दर अब जो जुम्मन है वो क्या बोलता है देखते हैं थ्री इयर्स अगो तीन साल पहले क्या हुआ था भाई देखते हैं माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर की थी एंड आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव और मैंने प्रॉमिस किया था कि टिल देन शी विल शी वुड लाइफ जब तक वो जिंदा रहेंगी आई विल हेल्प हर आई विल सपोर्ट हर आई हैव डन ऑल आई कुड मैंने सब कुछ किया जो मैंने कहा था देअर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कंट स्टॉप इट अब क्या होता है कि कुछ झगड़ा हो गया मेरी वाइफ में और आंट के बीच में बट आई कॉट स्टॉप इट मैं इसको नहीं रोक सकता अगर वो दोनों झगड़ा करती हैं तो मैं इसको नहीं रोक सकता नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अब मंथली अलाउंस फ्रॉम मी अब मेरी जो आंट है वो मंथली अलाउंस के लिए मुझे क्लेम कर रही हैं कि उन्हें मंथली अलाउंस चाहिए मतलब पैसा चाहिए हर महीने पैसा चाहिए दिस इज़ नॉट पॉसिबल हाउ इज़ इट पॉसिबल एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से और यही बात है जो मुझे आपसे कहनी है मुझे तुमसे कहनी है अलगू को वो ऐसे बोल देता है आगे देखते हैं जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर अदर पंच और अदर पर्सन अदर पीपल वर सिटिंग देयर दे ऑल क्रॉस एग्जामिन द स्टेटमेंट्स ऑफ जुम्मन एंड देन अलगू अनाउंसड और फिर अलगू अनाउंस करता है उसने क्या अनाउंस किया दैट वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली हम लोगों ने मैटर को केयरफुली देखा एंड इन आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस पे करना चाहिए और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर या फिर अगर वो अलाउंस पे नहीं करता है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी गोज़ बैक टू इट शुड बी गो बैक टू हर ये उनके पास वापस चली जानी चाहिए या फिर इस प्रॉपर्टी को उन्हें वापस दे देना चाहिए अगर वो उनको मंथली अलाउेंस नहीं देता है तो लेट्स मूव फर्दर नाउ द टू फ्रेंड्स फर सेल्डम सीन टूगेदर वॉट हैपन लेटर दैट पंचायत कि वो दोनों जो फ्रेंड्स थे वो कभी कभी ही साथ में दिखते थे नाउ दे हैड दे टू हैव गॉट एनिमी अब वो दुश्मन बन गए थे द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था उन लोगों के बीच में वो टूट चुका था बिकॉज जुम्मन नाव जुम्मन वॉज इन इन द फीलिंग विद अ फीलिंग टू टेक रिवेंज अब वो उसे बदला लेना चाहता था इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनीमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज जुम्मन अब अलगू का दुश्मन बन गया था और उससे रिवेंज लेना चाहता था नो वट हैपन डेज पास एंड आई एज सॉरी एंड डेज पास एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट अलगू चौधरी के थोड़े बड़े दिन आते हैं बुरे दिन आते हैं जब डेज पास्ट होते हैं मीन्स थोड़ा टाइम होने के बाद में अलगू का जो इल लप था वो उसके सामने आता है एंड वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइट एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू अब क्या होता है कि उसके पास में दो ब्लॉक थे ब्लॉक मीन्स बैल थे उनमें से एक तो मर गया और दूसरे को उसने सोल्ड कर दिया मतलब बेच दिया समझू साहू को समझू साहू इज़ अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज विलेज में कार्ट ड्राइवर है यानी कि गाड़ीवान है द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन अ मंथ्स टाइम और ये अरेंजमेंट किया गया कि जो साहू uh, है वो विद इन अ मंथ उसका सारा पैसा जो ब्लॉक का है उसके बैल का है वो सारा लौटा देगा इट्सो हैपन दैट द ब्लॉक डाइट विद इन अ मंथ और होता क्या है कि जो साहू ने बाय किया था जो ब्लॉक बाय किया था किससे अलगू चौधरी से वो विद इन अ मंथ डाइड हो गया यानी कि मर गया अब क्या होता है सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लॉक्स डेथ अपने बैल के मरने के कई महीने बाद अलगू ने रिमाइंड कराया साहू को मनी के लिए दैट ही हैड नॉट येट पेट जो उसने अभी तक पे नहीं किया था साहू गॉट वेरी अनॉयड आई कांट पे यू द पैनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी मैं तुम्हें एक पैनी भी पे नहीं करूंगा उस रेस्ट बीस्ट के लिए जो तुमने मुझे सोल्ड किया था मुझे बेचा था मीन्स ही डिनाइड ही गॉट एंग्री ही शोड अ लॉट ऑफ एंगर टू अलगू एंड वॉट ही सेट ही बॉटस नथिंग बट रून उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया बट ही बट इट रून डस उसने हमें बर्बाद कर दिया आई हैव अ ब्लॉक मेरे पास एक ब्लॉक है यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी इसको एक महीने तुम यूज़ कर लो तुम्हें करना है तो फिर मुझे वापस कर देना नो मनी फॉर दैट ब्लॉक ही सैड एंग्रिली उसने गुस्से में कहा कि मरे हुए ब्लॉक के लिए मरे हुए बुल के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द वेट टू द पंचायत अब अलगू जो है वो भी डिसाइड करता है उस केस को पंचायत में ले जाने की फॉर द सेकेंड टाइम अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द अब क्या होता है सेकेंड टाइम फ्यू मंथ्स लेटर प्रपरेशन हो गई होल्डिंग द पंचायत पंचायत को होल्ड करने के लिए मतलब पंचायत वापस से बुलानी पड़ी एंड वर मेड वर मेड एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल पंचायत दोबारा से शुरू हुई और दोनों ही जो पार्टी पार्टीज थी वो लोगों से मिलना शुरू कर दिया एंड सीकिंग देयर सपोर्ट और अपने अपने सपोर्ट में उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया मतलब लोगों से अपना अपना सपोर्ट वो ढूंढते थे कि तुम्हें भाई मेरे सपोर्ट में बोलना है और तुम्हें मेरे सपोर्ट में बोलना है द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड मैनियन ट्री जो पंचायत था इट वॉज़ हेल्ड ऑन द सेम बिलो द सेम पंचायत ट्री उसी पंचायत सॉरी 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 उसी बैन ट्री यानी कि उसी बरगद के पेड़ के नीचे पूरा वो पंचायत हुआ जहाँ पे पहले हुआ था एंड अलगू इज अप एंड सैड अलगू खड़ा हुआ और बोला क्या बोला दैट द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड कि जो पंच का वॉइस होता है वो भगवान का वॉइस है आवाज़ है एंड लेट साहू नॉमिनेट हेड पंच और साहू को नॉमिनेट करने दीजिए हेड पंच को आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन एंड आई विल फॉलो द डिसीजन ऑफ द हेड पंच हु विल बी नॉमिनेटेड बाय साहू साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन साहू जो कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान गया था कि जुम्मन और अलगू दोनों अब एनिमी बन चुके हैं दैट्स वाई ही नोमिनेटेड द नेम ऑफ जुम्मन अलगूज हार्ट सेंक एंड ही टर्न पे एंड अलगू वॉज वेरी क्लियर विद द फैक्ट दैट जुम्मन उसके फेवर में कभी कोई केस नहीं कर देगा दैट्स वाई ही गॉट ही टर्न पेल हिज हार्ट सेंक उसका मन खराब हो गया वो परेशान हो गया दुखी हो गया बट वॉट कुड ही डू वो क्या कर सकता था द मोमेंट जुम्मन बिकेम द हेडपंच उसी वक्त जो जुम्मन था वो हेडपंच बन गया एंड ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज एज अ जज उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज किया एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस और अब जो उसका ऑफिस था मतलब अब जो उसकी पोस्ट थी उसको उसने रियलाइज किया एंड कूड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ की और वो सोचने लगा कि वो जिस हाई सीट पे बैठा है जिस हाई प्लेस पे बैठा है तो उसको अब रिवेंज लेना चाहिए बदला लेना चाहिए अलगू से ही थॉट एंड थॉट उसने बहुत सोचा ही नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस अब वो सोचने लगा और उसने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं उसको अलाउ नहीं करना है अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ट्रूथ और जस्टिस के बीच में बोलने के लिए मीन्स अब उसने रियलाइज़ कर लिया इस चीज़ को बीइंग द एनिमी ऑफ अलगू चौधरी ही वॉज नॉट इन दिन द विद फीलिंग दैट ही विल बी अगेंस्ट अलगू की जो सही है वो सही है बाकी उसको अलगू के ऐसा नहीं है कि उसको पर्सनल फीलिंग्स को बीच में ला के अलगू के अनफेवर में या अलगू के अगेंस्ट में इस केस को करना है बहुत अलगू साहू अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस दोनों ने ही अपने केसेस को बोला दे वर क्रॉस उनके केसेस को उनकी बातों को क्रॉस एग्जामिन किया गया एंड नाउ वॉट हैपन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड दैन जुम्मन स्टूडअप पूरा केस सुन लिया गया कंसिडर कर लिया गया फिर जो जुम्मन था वो खड़ा हुआ एंड अनाउंसड और उसने अनाउंस किया दैट इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इस साहू को पे करना चाहिए क्या पे करना चाहिए भाई प्राइस ऑफ ब्लॉक ब्लॉक का जो प्राइस था जो पैसा था जो उसका मूल्य तय हुआ था वो उसको देना चाहिए अलगू को देना चाहिए एंड वैन साहू बॉर्ड द ब्लॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसबिलिटी और डिजीज़ जुम्मन बोलता है कि जब साहू ने इसको खरीदा था बुलॉक को एट दैट मोमेंट ही वॉज नॉट सफरिंग विद एनी डिसबिलिटी एंड डिजीज़ इसको ना कोई परेशानी थी ना कोई डिस थी द डेथ ऑफ द बुलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट जो बुलॉक का डेथ था वो अनफॉर्चुनेट था मतलब दुर्भाग्य बस उसकी मौत हो गई लेकिन अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग अब अलगू अपनी फीलिंग्स को कंटेन नहीं कर सका ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन अलगू खड़ा हुआ और उसने बार बार बोला जोरों से बोला विक्ट्री टू द पंचायत यानी कि पंचायत की जय हो दिस इज़ जस्टिस ये ही सच्चा न्याय है गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच वो इतना खुश हुआ अलगू और बोलने लगा कि जो पंच होता है उसकी वॉइस में भगवान निवास करता है सुन आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू नो वट हैपन जुम्मन अब अलगू के पास में आता है एम्ब्रेज हिम एंड सैड उसको गले लगाता है और उसको बोलता है सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी लास्ट पंचायत से मैं तुम्हारा एनिमी बन गया था बट टुडे आई रियलाइज दैट इट मीन्स टू बी अ पंच कि पंच का मीनिंग क्या होता है आज मुझे रियलाइज हो गया अ पंच हैज़ नो फ्रेंड एंड नो एनिमी ना तो उसका फ्रेंड होता है और ना ही दुश्मन ही नोज ओनली जस्टिस देर इज द फैक्ट देर इज अ थिंग ही ओनली नोज दैट इज जस्टिस लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी मीन्स नो वन शुड बी डेविएट नो वन शुड बी अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ जस्टिस और ट्रुथ के रास्ते से कोई भी दूर नहीं होना चाहिए फॉर फ्रेंडशिप एंड एनिमी अपनी दोस्ती या दुश्मनी की वजह से अलगू इम्ब्रेज हिज फ्रेंड एंड वैप्ड अलगू ने भी अपने फ्रेंड को इम्ब्रेस्ड किया गले लगाया और रोने लगा हिस्टीअ वॉज्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम उसके आंसू अलगू के जो आंसू थे और जुम्मन के जो आंसू थे दोनों के ही आंसू जो डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग की उन दोनों के बीच में आ गई थी उसको वॉश अवे कर ले गए सो दिस वे दिस इज द स्टोरी ऑफ मुंशी प्रेमचंद एंड दिस वे वी कंप्लीटेड इट स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी एंड इट्स क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स अर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू